Hello students, welcome again to the doubt session. This problem is again from work energy power. An ideal massless spring gets compressed by 1 meter by 100 Newton force at equilibrium. The same spring is shown in the figure. A 10 kg block is released from rest at top of incline and is brought to rest momentarily after compressing spring by 2 meter. If g is 10 meter, small g is 10 meter per second square, what is speed of mass just before it touches the spring? Understand the question. He is saying कि आपके पास एक स्प्रिंग है जो 100 न्यूटन फोर्स लगाने पे 1 मीटर से एलोंगेट हो जाता है या कंप्रेस हो जाता है इक्विलिब्रियम। इसका मतलब मुझे स्प्रिंग का इनडायरेक्टली स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया गया है। 100 न्यूटन फोर्स लगाने पे इक्विलिब्रियम पे वो 1 मीटर कंप्रेस होता है, तो इट मींस द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 100 न्यूटन पर मीटर। दैट सेम स्प्रिंग इज कनेक्टेड इन दिस डायग्राम and now the block is allowed to fall from this. कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया है वो नहीं बोला, लेकिन वो कहता है कि जब ये इस स्प्रिंग को हिट करता है, हिट करने के बाद जब मोमेंटली रेस्ट पे आता है तो 2 मीटर कंप्रेस करता है और पूछता है आपसे कि व्हाट इज स्पीड ऑफ मास जस्ट बिफोर इट टचेस द स्प्रिंग, यानी हिट करने से जस्ट पहले इस मास की स्पीड। हम सोचते हैं कि ये काश दिया होता तो मैं तो फिर फटाफट लिख लेता, मैं इक्वेशन मशीन लगा लेता, एक्सेलरेशन पता है मुझे, थीटा भी पता है, बट वो डिस्टेंस नहीं गिवन है। पर मुझे उसने एक और चीज दी है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें ये स्प्रिंग्स वगैरह यूज होते हैं इसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है पर्सनली एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, अकाउंट ऑफ एनर्जी लिखना। फ्रिक्शन नहीं है इसलिए आई कैन से टोटल इनिशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, लेकिन जहां भी हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं और अगर पोटेंशियल एनर्जीज लिखनी पड़ती हैं तो जीरो लेवल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर से जरा सिस्टमेटिक बन जाएं, हम जब ये ब्लॉक यहां पहुंचेगा उस मूवमेंट की स्पीड चाहते हैं, ये ब्लॉक यहां पहुंचा उस मूवमेंट पे हिट करने से पहले की स्पीड मान लो भी है, मुझे वो स्पीड लीजिए। तो ऐसा करते हैं, हम इसी पोजीशन को जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं, इसी को मर्जी लिख सकते हैं जीरो ऑफ ग्रेविटेशनल। तो यहां पे टोटल एनर्जी के नाम पे आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर आएगा प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी वो भी जीरो, क्योंकि ना तो अभी स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तुमने यहां पे जीरो ही के काउंट करनी शुरू कर दी। अब जब फाइनल सिचुएशन में ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, 2 मीटर तक कंप्रेस हो गया अपनी इनिशियल पोजीशन से, 2 मीटर कंप्रेस हो चुका है, ब्लॉक यहां पहुंच चुका है, तो उस पोजीशन पे ब्लॉक की स्पीड जीरो, मोमेंटरली रेस्ट पे आना है, तो फाइनल में काइनेटिक एनर्जी जीरो और ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे दो पोटेंशियल एनर्जी हैं, एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स कितना 2 मीटर, स्प्रिंग जितना कंप्रेस हुआ, प्लस एमजीएच, ये एमजीएच ये तो जीरो लेवल से नीचे था, तो यहां एमजीएच नेगेटिव आएगी, आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आ रहा है, माइनस एम इंटू जी इंटू एच। एच कितना है, एच वो वर्टिकल हाइट है जिस वर्टिकल हाइट से ब्लॉक नीचे उतरा है, यहां से यहां आने के दौरान ब्लॉक इतनी वर्टिकल हाइट नीचे उतरा है। अगर ये 2 मीटर है, ये 30 डिग्री है, ब्लॉक कितना उतरा 2 साइन 30, 2 साइन 30।
हम इसको सॉल्व करेंगे, हाफ मास ऑफ द ब्लॉक इज 10 kg, स्पीड स्क्वायर इज टू बी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू हाफ, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज 100, एक्स इज 2 स्क्वायर माइनस मास इज 10 kg, ग्रेविटी इज 10 एंड एच इज 2 sin 30. सो दिस इज दिस 5 5 v² इज इक्वल टू, कट गया 200 माइनस 100 इंटू 2 इंटू साइन 30 इज 1/2, दिस इज 200 माइनस 100, 5 v² इज इक्वल टू 200 माइनस 100 इज 100, 5 के साथ कैंसिलेशन करो 20, सो v² इज इक्वल टू 20, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, सो स्पीड इज रूट 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज द फाइनल आंसर. थैंक यू.